भारत कनाडा सफारती ताल्लुकात इंतहाई निचली सतह पर आ चुके हैं। भारत की दहशतगर्दी अब दुनिया के सामने साबित हो चुकी है, जो इस वक्त जासूसी की कार्रवाई कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में इंप्रेशन आया कि शायद इंडिया को जो इस मामले में लगाम डाली जाएगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं इस मामले में। यही अगर लेट्स से कि इस सिचुएशन में अगर हम होते भारत की सिचुएशन में, और इस मेजर प्रॉब्लम पे हम कई दफा चुप हो जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं, हिंदुस्तान एक्शन लेता है। ना ये एटीट्यूड की बात है ना जी, क्या है इनके एटीट्यूड, क्या हमारा एटीट्यूड, क्या उनका क्या एटीट्यूड है। वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, हमें अपने मुल्क के लिए सब कुछ करना चाहिए। लेकिन जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कल परसों एक जो स्टेटमेंट जारी कर दी, उसके अंदर उन्होंने एक्नॉलेज किया कनाडा हैड नो प्रूफ इस बिफोर पब्लिकली एक्यूजिंग इंडिया, तो जारी बात है उन्होंने तो फिर नहीं छोड़ना था ना। और आप इंडियन मीडिया के आप हत्थे चढ़ जाएं, उन्होंने उनको रगड़ दिया, तो उनसे वो इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है। तो बाद में आपने देखा होगा कि ट्रूडो ने डेपोजिशन में कह दिया ना कि वी हैव इंटेलिजेंस बट नॉट एविडेंस, तो वो इंडिया की मदद मांग रहे हैं टू गेट एविडेंस अगेंस्ट इंडिया पिछले 1.5 साल से। सही बात। देखिए अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो ना हो, लेकिन एक बात है, वेस्ट को भारत की जो उभरती हुई इकॉनमी है उनको पसंद नहीं, इसमें कोई शक नहीं। बेशक इंडिया अपने आप को इस वक्त एक बड़ी इकोनॉमिक पावर कहता है, और ऑब्वियसली उसने जिस तरीके से डेवलपमेंट की, हमें वॉर ऑन टेरर और मिलिटेंसी और प्रॉक्सी वॉर और इन चीज़ों के अंदर फंसाने के बाद इंडिया शायद हमसे बहुत आगे इकोनॉमिकली जा चुका है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है इंडिया और कनाडा के बीच में जो टसल चल रहा है पिछले 1.5 सालों से, जिसमें जिस तरह के तरह तरह के इल्ज़ाम और बयान दिए हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर, जिस पर भारत ने भी सख्त एक्शन लेते हुए कनाडा को उसी के टोन के अंदर उसको भी फिटिंग रिप्लाई दिया है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया यह डिस्कशन कर रही है कि अगर इंडिया की जगह हम होते तो हमारा तो बुरा हाल हो जाता, प्लस दुनिया ने हमारी बात सुननी भी नहीं थी। सबसे पहली बात ये कि इंडिया और पाकिस्तान की जो फिलॉसफी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इंडिया पाकिस्तान की तरह किसी दूसरे देश के अंदर या फिर विश्व के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सोच को या धर्म को बढ़ाने में नहीं लगा हुआ है, और उसके लिए दुनिया में तरह तरह के आतंकियों को पैदा करने में नहीं लगा हुआ है। बल्कि अगर इंडिया किसी देश से यह डिमांड करता है कि हमारे अपराधी किसी देश में हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि भारत के खिलाफ विदेशों में रह करके प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए, भारत को तोड़ने में लगे हुए, इन लोगों के खिलाफ, तो वो देश एक्शन लें, या फिर अनऑफिशियली तौर पर समझा जाता है कि या फिर भारत खुद एक्शन लेगा भारत के दुश्मनों के खिलाफ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, एक डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं इंडिया और कनाडा के, वो तो डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कल परसों एक जो स्टेटमेंट जारी कर दी, उसके अंदर उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इम्प्लीकेट किया निजर की असैसिनेशन में पिछले साल, तो उस वक्त इंटेलिजेंस हमारे पास वीक इंटेलिजेंस थी, रादर दैन कि हमारे पास डेफिनेट प्रूफ होते। सारी बात है, इसको MEA जो है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको उठा लिया, उन्होंने पकड़ लिया, और उन्होंने कहा जी कि जब आपके पास था ही नहीं, इसका मतलब है कि आपने वारदात, आपने पहले एक इंसिडेंट हुआ, आप हमने अपने इल्ज़ाम लगाया, आपके पास सबूत नहीं थे, आपने पहले ही हमें इल्ज़ाम लगा दिया, आप पहले सबूत तो इकट्ठे कर लेते फिर आप इल्ज़ाम लगाते। इंडियंस ने टफ टाइम देना शुरू कर दिया ट्रूडो साहब को। लेकिन पन्नू के कत्ल केस में इंडियन नेशनल है विकास यादव, उसको FBI ने वॉन्टेड लिस्ट में डाल दिया। उधर से ट्रूडो के ऊपर जो है इंडियन MEA जो है उन्होंने चढ़ाई कर दी है कि भाई आप हमें बताएं कि आपने ये किया क्यों है हमारे साथ, आपने हमें दुनिया में एम्बैरस किया है, ये किया है, वो किया। अब जब लफ्ज ये ट्रूडो को है कि कनाडा हैड नो प्रूफ इस बिफोर पब्लिकली एक्यूजिंग इंडिया, तो जारी बात है उन्होंने तो फिर नहीं छोड़ना था ना। और आप इंडियन मीडिया के आप हत्थे चढ़ जाएं, उन्होंने उनको रगड़ दिया। अच्छा, इस पे जारी बात है वो जो जसवाल साहब हैं, ठीक है जी, वो भी शुरू हो गए। अब उल्टा इंडिया ने उनको कहना शुरू कर दिया कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं कनाडा में उसके ऊपर एक्शन लें, और ये सेपरेटिज्म की बात करते हैं जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कैनेडियंस कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो अब ये इंडिया और कनाडा का रहेगा, इंडिया इससे नहीं मेरा ख्याल पीछे हटेगा। इंडिया ने थोड़ी सी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इंडिया ने ये किया है कि अमेरिका से कोऑपरेट करो इस मामले में, क्योंकि अगर अमेरिका से कोऑपरेट ना किया तो वो
they have more tools to disturb India. और मैं आपको ये भी बताऊँ एक बात, जिस दिन अमेरिकन ने चाइना इंडिया कनाडा के ताल्लुकात नॉर्मल हो जाने, ये याद रखना बात, जिस दिन आपने अमेरिकन ने चाहना है इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ये मामला इस्तेशाम से पिछले साल बड़ा हाइप इसकी बन चुकी थी जब कनाडा की जानेब से ये इल्जाम आए थे, उस वक्त हाइप बनी, इम्प्रेशन आया कि शायद अब इंडिया को जो इस मामले में लगाम डाली जाएगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं इस मामले में। अभी भी आप समझ रहे हैं कि ये उठा ज़रूर है, अमरीकी बयान भी सामने आया है, लेकिन ये कुछ देर बाद मामला ये फिर दब जाएगा, या फिर आप समझते हैं कि अमरीका जो आशीर्वादी इंडिया को हासिल है अमरीका की जानेब से वो अब हट चुकी है और वाकई कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे इंडिया को इस मामले में? देखिए हमने, मैं कमेंट करूंगा जो पीजे अभी बात कर रहे थे ना, जिस तरह उन्होंने कहा कि इंडियन किस तरह ऑपरेट करते हैं, उनका इंडियन डायस्पोरा बाहर बैठ के किस तरह अपने मुल्क के लिए काम करता है, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था ये सुन के कि हमारा पाकिस्तानी ओवरसीज डायस्पोरा हमारे जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कि किस तरीके से IMF को खत लेके पाकिस्तान की इमदाद बंद करवानी है, किस तरीके से वहाँ पे मुख्तलिफ दफ्तरों में जाके आरा करने पाकिस्तान के खिलाफ। तो हम तो ये कर रहे हैं, इंडियन क्या करते हैं, हम सारे सियासी लड़ाइयाँ हमारे पाकिस्तानी वहाँ लड़ रहे होते हैं, इंडियन जो है ना वो कभी सियासत पे बात नहीं करते बाहर, वो अपने मुल्क के लिए कर रहे होते हैं, लॉबिंग भी करते हैं, बेताजा पैसा भी खर्च करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, हम क्या कर रहे होते हैं? देखिए मेरे ख्याल में सियासत का खेल इस लेवल पर गया भी नहीं ना, जिस लेवल पे यहाँ पे जा चुका है। चले आगे बढ़े, हमने ये एटीट्यूड की बात है ना जी, गया है नहीं कि एटीट्यूड क्या, हमारा एटीट्यूड क्या है, उनका क्या एटीट्यूड है, वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, हमें अपने मुल्क के लिए सब कुछ करना चाहिए। देखिए दिस इज अ वेरी पेक्यूलियर सा सिचुएशन है, क्योंकि ये पैरेलल अमेरिका के साथ वाले सिचुएशन से चल रहा है, तो अमेरिका को इंडिया इज सैटिस्फाइंग अमेरिका डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी, तो इंडिया इज ट्राइंग टू से कि ये सरकार की पॉलिसी नहीं है, ये हमारे एक बंदे ने कर दिया है रोक, हम उसको डील कर रहे हैं। बट कनाडा की तरफ द सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट, बिकॉज कनाडा की जो कहिए आप पुलिस फोर्स या उनकी जो भी है, घोड़े से उतर के काम करें ना भाई, घोड़े पे बैठे बैठे कैसा इन्वेस्टिगेट करते तो उनसे वो इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है, दे आर नॉट गेटिंग द एविडेंस दे नीड टू एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू फाइल ए केस इन द कोर्ट। तो बाद में आपने देखा होगा कि ट्रूडो ने डेपोजिशन में कह दिया ना कि वी हैव इंटेलिजेंस बट नॉट एविडेंस, तो वो इंडिया की मदद मांग रहे हैं टू गेट एविडेंस अगेंस्ट इंडिया पिछले 1.5 साल से। सही बात, दिस इज व्हाट कनाडा वांट्स ना भाई, हमको शक है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, हमको शक है कि आपके बंदे हमारे खिलाफ हमारे सर जमीन पर हमारे सिटीजन को मार रहे हैं, हम उसको प्रूव नहीं कर सक रहे हैं, आपकी मदद चाहते हैं कि आप हेल्प अस प्रूव, व्हाई इज इंडिया गोइंग टू डू दैट? तो ये प्रॉब्लम है कनाडा का, तो बट द प्रॉब्लम इज दे कांट लेट इट गो अवे बिकॉज वो डर रहे हैं कि और ऐसे केसेस होंगे, तो वो जेन्युइनली डर रहे हैं कि शायद और एक दो एक एपिसोड हो विच विल कम्प्लीटली रूइन ट्रूडोस क्रेडिबिलिटी एट होम, ऑलरेडी उसकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। दूसरी चीज ये है कि जो इंडिया के तरफ से जो क्रिटिसिज्म आ रहा है ट्रूडो का, मतलब ये भी एक पप्पू है, दिस इज ऑल्सो ही इज इनकॉम्पिटेंट वगैरह, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, एवरीबडी इवन ऑल कैनेडियंस विल अग्री प्रोबेबली, उसके पार्टी के बंदे भी विल एक्नॉलेज के ही हैज प्रूवन टू बी क्वाइट इनकॉम्पिटेंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा, इकोनॉमी इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल वगैरह।